नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल आपका यूपी बीएड का एग्जाम है, एंट्रेंस का, तो उसके लिए ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद अब आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए रेलवे के लिए और आपका यूपी SSSC से संबंधित जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए ही प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आप अच्छे से अपना जो है करिएगा। इसके बाद आपको हिंदी की भी यूपी बीएड के लिए एक प्रैक्टिस सेट आज की डेट में मिल जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका मुंबई में स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये कहाँ पे था? कलकत्ता में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आपके लिए क्या होगा दोस्तों? तेल शोधन उद्योग। बरौनी में आपका तेल शोधन उद्योग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिहार स्वयं को डैश डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका 1765 से लेकर 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजा राजमोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, यानी इन चारों में से किस दिशा में उन्होंने काम किया था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाज सुधार में उन्होंने काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ रखे गए थे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको छोटा दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? मीजो। ये कोई भाषा है ही नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। यही उसको मनोनीत भी लेकर के भी आते हैं और यही उनको हटाते भी हैं। चलिए आठवें के बाद चलते हैं नवे क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर आपका क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? उच्चतम न्यायालय को। कहीं कहीं पे आपको उच्च न्यायालय भी मिलेगा। अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप उच्च न्यायालय में लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाना प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है, यानी किस चीज की सबसे ज्यादा जो है पैदावार होती है भारत में फसल के अंतर्गत, कृषि भूमि पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए, चावल। चावल जो सबसे अधिक भूभाग पे जो है भारत में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसको ना याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, जिला छोड़ दीजिए, जिला आपसे नहीं पूछता है। ये पूछता है कि किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकोलिथ संबंधित है, लेकोलिथ किस चीज से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका ज्वालामुखी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो आंसर आपका होगा माउंट आबू में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मुद्रा पत्र का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा दोस्तों आपका 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो वाला महाद्वीप है? बहुत सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? आंसर क्या होगा दोस्तों? गोदावरी नदी का, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही कहाँ पर है? आपके भारत में ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है सही क्रम, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इसके बाद एक होता है वायुमंडल, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी, इसको कहीं कहीं महमूद गजनी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, वो किसका ग्रंथ था? तो वो विशाखादत्त का ग्रंथ था, जिन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखा है, याद रखिएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेलने का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर होगा आपका तुर्कों ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे आम्र मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संगमरमर के पत्थर पर जेवरात से की गई जड़ावर। इसके अलावा दोस्तों आपको पत्थर के ऊपर चमकीले चमकदार पत्थरों से भी जो है की गई जड़ावर को भी पेट्रा ड्यूरा कहा जाता था, तो जेवरात की जगह अगर आपको पत्थर भी मिलता है तो भी आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे, यानी किस स्थान के थे? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गुजराती यानी गुजरात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? आंसर होगा दोस्तों अवसादी चट्टान। दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको लगभग लगभग इसी टाइप का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसमें जो है आपके इजी, मॉडरेट और थोड़े कठिन यानी हाई लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको निगेटिव नहीं करना है, निगेटिव करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो आंसर है दोस्तों वो औरंगजेब। बाकी अकबर अकबर तो इसका विरोध भी करते थे, तो ध्यान में रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, आंसर आपका हो जाएगा बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1560 ईस्वी में। आंसर दोस्तों आपको 1561 भी देखने को मिलेगा, आंसर आपको 1561 भी देखने को मिलेगा, तो 1561 या 1560 आपको एक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास बहुत सिंपल सा है, इंडिका इसकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट है कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केचुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लब्बर क्या होता है? तो आंसर बहुत सिंपल है, संग वसा की परत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, उस समय दिल्ली की गद्दी पे था, वहीं पे जो है आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो आंसर क्या होगा? सब चीज करेगा दोस्तों, बस ये समाजवाद है जो ये जो है आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमलाई पशु विहार स्थित मतलब प्रसिद्ध है, काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इसमें हाथी के अलावा व्याघ्र और बाघ भी है, लेकिन जो है प्रसिद्ध ये हाथियों के लिए ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ किसने स्थापित किए थे? आंसर बहुत इजी है, आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए के कोड करण खंड को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा एक्सॉन। नेक्स्ट है दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिक किया है इसने, सीधा उसका जो है जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो दे दिया है, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये आपका आंसर होगा विटामिन ए डी ई के, ये आपके किस में है, वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है, ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि रेशम का उत्पादन किस अवस्था में होता है, तो रेशम कीट के लार्वा से होता है, जब लार्वा उसका बनने लगता है तब वहां से रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर था, जो जो है अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। तो दोस्तों ये आपके सामने 48 क्वेश्चन में लेकर के आया था, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इनको देखने के अलावा जो मैंने अपने चैनल पे और क्वेश्चन डाल रखे हैं उन सबको देखिए, अच्छे से जाके पेपर दे दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।